इसराइल हमास युद्ध के बीच गाजा से इजरायली फौज की टुकड़ियां धीरे धीरे वापस लौटने लगी हैं। हालांकि गाजा के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स अभी भी मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन आधे से ज्यादा गाजा एक वीरान खंडहर में तब्दील हो चुका है। और इस सब के बीच इजरायली सेना का गाजा से वापस लौटना क्या युद्ध की समाप्ति का संकेत है या फिर गाजा के रफा शहर में एक नई तबाही की आहट? क्योंकि कई जानकारों का मानना है कि इजरायली सेना अब रफा पर चढ़ाई करने की तैयारी में जुटी है। लेकिन इस सब के बीच इजरायली सेना के बचे कुचे जवान जो गाजा में मौजूद हैं, उनके ऊपर हमास की सैन्य शाखाएं अल कासिम ब्रिगेड और अल कुद्स ब्रिगेड कहर बरपा रही है। जी हाँ, अल कासिम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो गाजा के खान यूनिस के पूर्वी इलाके में अल जना का बताया जा रहा है, जहां पर इजरायली सैनिक और अल कासिम के लड़ाकों में तगड़ी भिड़ंत हुई है। इस वीडियो में दिख रहा है कि अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाके बेहद ही चतुराई से पहले तो मलबे में बारूद बिछाते हैं और जब इजरायली सैनिक वहां पहुंचते हैं तो एकाएक उन पर मशीन गन से दर्जनों राउंड फायरिंग शुरू हो जाती है। इस फायरिंग में एक इजरायली सैनिक वहीं गिर पड़ता है जबकि अन्य दो पीछे की तरफ भागते हैं। और इसके बाद इजरायली सैनिकों की चीख पुकार सुनते ही वहां पर आईडीएफ के टैंक दौड़े दौड़े आते हैं। तभी अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाके इन टैंकों पर दनादन फायरिंग शुरू कर देते हैं जिसमें जोरदार धमाका होता है। अल कासिम ब्रिगेड का कहना है कि उसने आईडीएफ टैंकों पर यासीन 105 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। अल कासिम ब्रिगेड का ये भी कहना है कि उसके इस ऑपरेशन में इजरायली सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो इस वीडियो में दिख रहे नजारे से कहीं ज्यादा है। वहीं इस वीडियो में आगे कुछ इजरायली सैनिक दो सैनिकों को उठाकर ले जाते हुए दिख रहे हैं और देखते ही देखते वहां पर कुछ और इजरायली सैनिक आ जाते हैं। इसके बाद वीडियो में काफी दूर से इजरायली सेना की कई गाड़ियां मौके पर आती हुई दिख रही हैं। अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इन गाड़ियों के आसपास के रास्ते में भी भारी मात्रा में विस्फोटक बिछाया हुआ है। अल कासिम ब्रिगेड का कहना है कि जहां पर उसने इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है वहां पर आईडीएफ के करीब 30 सैनिकों का जत्था पहुंचा है। अल कासिम का दावा है कि उसने यहां पर इजरायल के 5 सैनिकों को ठिकाने लगा दिया है और जब इन सैनिकों पर हमला हुआ तो वहां पर हाहाकार मच गया। आपको बता दें कि अल कासिम ब्रिगेड का ये भी कहना है कि उसने एक घर में विस्फोटक भी बिछाकर आईडीएफ के लिए बूबी ट्रैप लगाया था, लेकिन इजरायली सैनिक इस घर से भाग निकले थे।